अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब आप खैरियत वाफियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लाया हूँ आप लोगों के लिए कंप्यूटर के जितने भी एब्रीवेशन जो FIA के एग्ज़ाम्स में आए हैं 11 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2021 तक। तो इसके अंदर 50+ MCQs हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है MCQ सर, CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी एंड द नेक्स्ट वन इज ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ASP स्टैंड फॉर एक्टिव सर्विस पेजेस एंड द नेक्स्ट वन इज CDR स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। दोस्तों, ये वाला MCQs में गलत करके आ गया हूँ। R की जगह मैं रीड रीड वाला ऑप्शन पे मैंने लगा दिया था। एंड द नेक्स्ट वन इज CDRW स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल एंड द नेक्स्ट वन इज CMD स्टैंड फॉर कमांड एंड द नेक्स्ट वन इज CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन MCQ है जो कि मोस्टली तौर पर एब्रीवेशन पूछा जाता है। DML स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज होता है। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम होता है। DVDR स्टैंड फॉर होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल एंड द नेक्स्ट वन इज ई कॉमर्स स्टैंड फॉर ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड द नेक्स्ट वन इज EFS स्टैंड फॉर EFS जो होता है इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम होता है। GB होता है, सबको पता है कि गीगाबाइट होता है। एंड GDI जो होता है वो ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस होता है। और HTTP जो स्टैंड फॉर होता है ये होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। HTTP है जो एब्रीवेशन है। IC स्टैंड फॉर होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और इंटर स्टैंड फॉर होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। दोस्तों, ये हम सबको मालूम है। एंड द नेक्स्ट वन इज KB स्टैंड फॉर किलोबाइट होता है। LAN 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 स्टैंड फॉर होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एंड द नेक्स्ट वन इज MB जो होता है मेगाबाइट होता है। MAN जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। एंड जो MBPS जो होता है वो मेगा बिट्स पर सेकंड होता है। दोस्तों, ये मेगा बिट्स होता है, मेगा बाइट्स नहीं होता। एंड द नेक्स्ट वन इज PNG जो होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। उसके बाद रैम रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जा चुका है रैम का। एंड द नेक्स्ट वन इज सैम जो सैम होता है सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट होता है। उसके बाद URL जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज USB जो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज वायरस जो वायरस होता है स्टैंड फॉर होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज WAN स्टैंड फॉर होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैप होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। एंड जो XHTML जो होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। जो XMF जो होता है वो एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल होता है। एंड द नेक्स्ट वन DDL जो DDL का जो एब्रीवेशन है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। एंड द DBMS जो होता है दोस्तों डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और जो उसके बाद BIOS जो दोस्तों बहुत ही मशहूर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। BGP जो होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है। और जो AI सबको पता है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। एंड द नेक्स्ट वन GPO होता है जनरल पोस्ट ऑफिस। एंड द नेक्स्ट वन इज AMD जो होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस होता है। और जो AVI होता है वो ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है। एंड द बेसिक्स जो होता है वो बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। और जो DNS स्टैंड फॉर होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है। एंड जो DML जो होता है डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज होता है। GB जो होता है गीगाबाइट होता है। IP जो होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। एंड जो ISP होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। और जो स्नैप होता है सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज ड्रम जो होता है ड्रम होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और जो BCD होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज यूनिवैक यूनिवैक जो होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है।
दोस्तों ये थे हमारे 50+ एमसीक्यूज थे जो कि 22 दिसंबर तक जो आ चुके हैं एब्रीवेशन। दोस्तों आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिलेगी वो आप तक मैं इंशाल्लाह पहुँचा दूँगा। दुआ में याद रखिएगा।